हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आ गए एक बढ़िया से वीडियो के साथ। इसमें बेसिकली द थिंग इज़ कि आप देख पा रहे होगे ऑब्वियसली कि मैंने चैट जीपीटी खोला हुआ है अपने सामने, है ना। बिकॉज ये टाइटल से भी पता चल गया होगा कि आई एम बेसिकली गोइंग टू आस्क चैट जीपीटी टू मेक माई स्टूडेंट शेड्यूल, ठीक है। तो मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए ये मैं नहीं, चैट जीपीटी डिसाइड करेगा, ठीक है जी। चलो देखते हैं अब ये क्या बोलता है। अब बेसिकली सीन ये है कि मैं इसको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरा दिन का क्या काम है, क्या नहीं होता, मैं क्या क्या करता हूँ, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। और देखते हैं वो मेरा क्या शेड्यूल बना के देता है। अच्छा, हम एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसको ये बोलेंगे कि मेरे डेजर्टेशन टाइम चल रहा है तो उसके हिसाब से बना के दे, ठीक है। सो आई एम एन MSc स्टूडेंट एट लीड्स यूनिवर्सिटी, studying advanced comp science. I wish to make a student schedule for myself that includes me making videos for YouTube, comma, doing my dissertation. एंड और क्या लिखूँ, डेजर्टेशन हो गया, यूट्यूब वीडियोस एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स अराउंड द यूके, मेक अ परफेक्टली ओके एक सेकेंड अराउंड द यूके, ऑल्सो इंक्लूड टाइम फॉर वर्कआउट। सो नाउ मेक क्या बोलूँ, मेक अ final student schedule that includes all of these with day, time, and make sure it's a weekly, mind my type errors, it's a weekly schedule. देखते हैं, इतना भेजते हैं इसको, देखते क्या बोलता है, एंड उस हिसाब से we'll do things. अच्छा जी, वीकली शेड्यूल में है मंडे 8 से 9 ब्रेकफास्ट, भाई 8 बजे उठना पड़ेगा चैट जीपीटी के हिसाब से, 9 to 10 ब्रेकफास्ट एंड पर्सनल टाइम, 10 to 1 डेजर्टेशन रिसर्च एंड राइटिंग, 1 to 2 इज लंच ब्रेक, 2 to 4 इज वीडियो स्क्रिप्टिंग एंड प्लानिंग, 4 to 6 इज जॉब एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग, 6 to 7 इज डिनर ब्रेक, 7 to 9 इज़ यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, फिर ट्यूजडे पे है मॉर्निंग वर्कआउट, पर्सनल टाइम, डेजर्टेशन, लंच ब्रेक्स। अच्छा सेम ही है क्या, सेम, अच्छा बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ज़्यादा मेरे को डिफरेंस दिख नहीं रहा, इसने बस वो कर दिया है। बट यार वॉट इफ प्रायोरिटाइज टास्क, अच्छा इसने टिप्स भी दिए हैं, वॉट इफ मैं इसको ये बोलूँ दैट आई वॉन्ट टू वेक अप at 9 and sleep at 11. Now make the schedule accordingly. देखते फिर क्या बोलता है। Let's see. So Monday, it says 9 a.m. to 9:30 a.m. morning routine and breakfast, 9:30 to 11:30 dissertation research and writing, 11:30 to 12:30 workout, 12:30 to 1:30 lunch break, यूट्यूब वीडियो 2 घंटे का एप्लीकेशन, 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे का वीडियो शूट, 1 घंटे का डिनर ब्रेक, सोशल एक्टिविटीज़, विंड डाउन एंड प्रेफर स्लीप। ये मुझे लग रहा है ये जो 8:30 से 11 का टाइम है ये वेस्ट है। बिकॉज अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा स्केड्यूल बनाऊँ जो मैं एक्चुअली एक हफ़्ता फॉलो करके देखूँ, इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ और चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं I want 4 hours for my dissertation and I want 2 hours for job, 3 hours for job application and 8 hours of sleep and aur kya chahiye bhai, 2 hours for my YouTube and 1 hour for planning। अब देखते हैं,
मैं एक ही दिन का पढ़ रहा हूँ, बाकी का फिर मैं डुप्लीकेट कर लूँगा. 9 to 9:30 मॉर्निंग, फिर 9:30 to 11:30 डेजिटेशन विच इज़ 2 आवर्स, देन वर्कआउट इज़ 1 आवर, देन लंच ब्रेक इज़ 1 आवर, देन डेजिटेशन 2 आवर्स. तो मतलब 4 घंटे का डेजिटेशन हो गया. यूट्यूब 1 आवर, यूट्यूब 1 आवर, ठीक है. ओके, दिस इज़ गुड. वेर इन यू हैव 1 आवर ऑफ वीडियो स्क्रिप्टिंग प्लानिंग इन द आफ्टरनून एंड शूटिंग इन द नाइट, बिकॉज मैं जनरली यही करता हूँ. दिस इज़ वॉट आई डू, आई स्क्रिप्ट एंड प्लान माई वीडियोज़ इन द डे टाइम एंड आई शूट वेन आई एम डन विद ऑल माई वर्क. बिकॉज अभी भी, हाउ डू आई शो यू द टाइम, एक सेकेंड, 11:58, 12 बजने वाले हैं, एंड दैट्स व्हेन आई एम शूटिंग. ठीक है, जॉब एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, डिनर ब्रेक, यस, दिस साउंड्स मच ऑफ इट. मतलब इफ़ आई एम स्लीपिंग एट 11 एंड वेकिंग अप एट 8 or 9-ish, 8 बजे तक उठ सकते हैं ना, 9 घंटे की नींद. भाई अगर मैंने स्केड्यूल फॉलो कर लिया तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू शुड बी फॉलोइंग, बट आई कांट इफ़ आई एम शूटिंग एट 12. अब मैं इसको एडिट करूँगा तो ठीक है. सो दिस इज़ मोर ऑफ इट ऑन, इफ़ आई आस्क चैट जीपीटी टू मेक माई स्केड्यूल. अच्छा एक काम करते हैं, पुट दिस इन अ टाइम टेबल एंड गिव इट टू मी, लेट्स सी, इट्स गोना पुट इट इन एन एक्सेल शीट एंड गिव इट टू मी. अभी क्या करेगा, इसी सब चीज़ों को कन्वर्ट करेगा इन टू एन एक्सेल शीट एंड लेट्स सी वॉट वी गेट. ठीक है, तो यार जब तक ये एनालाइज कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ. वेन एवर यू आर यूजिंग चैट जीपीटी, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, हमेशा ये याद रखो कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना होता है. अब देखते हैं, देखो अब मैं इसको एक चीज़ बोलूँ, अब मैं इसको अगर ये बोलूँ, गिव दिस टू मी इन एन एक्सेल टू डाउनलोड. आई एम नॉट श्योर ये सबके उसमें होता है या नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग द प्रीमियम वर्जन. ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर आप लोगों को मिलेगा या नहीं, बिकॉज मेरे को याद नहीं है कि ऐसा होता था या नहीं. ओके, नॉट टू बैड, कर दिया भाई इसने यार इसमें. अच्छा एक ये जो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं अलग अलग करके इसको रिसाइज कर रहा हूँ, जब मैं EY में इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने एक शॉर्टकट सीखा था, बट मैं भूल गया उसको, कि आप ये सारे रिसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट. कुछ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, बट मैं भूल गया, नेक्स्ट टाइम देखूँगा. ठीक है, तो यार ऐसा कुछ इसने बनाया है हमारा, व्हाट यू कॉल, टाइम टेबल या स्टूडेंट स्केड्यूल. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो दिस, आई पुट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन, आई पुट द लिंक टू दिस स्केड्यूल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इफ यू वॉन्ट टू फॉलो इट, यू कैन श्योरली फॉलो इट. आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी. आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज वेर इन आई मेक चैट जीपीटी डू समथिंग फन, विच इज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम गोइंग टू मेक 10 पार्ट्स लगातार इस वीक. All my content is going to be about ChatGPT. I hope you like the video. Thank you so much for watching. I'm going to see you in the next one. Bye bye.